होता क्या है ये सेल्फ एनर्जी इसके पहले हमने एक प्रकार की एनर्जी बात की थी वो क्या था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वॉट वॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वॉज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट है ना किसी फील्ड में अगर आपको एक चार्ज को लाना होता था इन्फिनिटी से इधर इन्फिनिटी है इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हमको क्या करना है किसी फील्ड में लाना है जहां का पोटेंशियल क्या है V है तो अपने को कितना वर्क डन करना पड़ता था Q इन टू यही क्या होता था उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता था है ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सो दिस वॉज पोटेंशियल एनर्जी जिसमें कि आपको किसी चार्ज को कहीं से लेकर के किसी फील्ड में आना होता था बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ क्या सेल्फ एनर्जी की बात कर रहा हूँ सेल्फ एनर्जी जैसा नाम से लग रहा है कि ऐसा खुद में कुछ हो रहा होगा इस तरह की बातें हो रही है ठीक है तो चलिए देखिए क्या होता है ये जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि मुझे एक सेल बनाना है सेल सेल मतलब क्या होता है बेटा अंदर से हॉलो जिसका रेडियस कितना है आर है और इस पर मुझे चार्ज देना है कितना चार्ज देना है लेट से ठीक है प्लस क्यू चार्ज देना है इसके ऊपर ओके okay? तो कैसे दूंगा बेटा मैं इसके ऊपर चार्ज इतना तो ठीक है समझो कि मान लो ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो मुझे इस पर असेंबल करना है ठीक है इसके ऊपर लाना है तो पहले ये मान लो चार्ज कहाँ था इन्फिनिटी पे था अब इन्फिनिटी से इस चार्ज को क्या करना है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ला करके डालना है क्योंकि यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना तो हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा चार्ज ला करके इस क्यू में से यहाँ पे डालते जाना है कितना डाला भाई डी क्यू डाला फिर डिक्यू डाला फिर डी क्यू डाला फिर डी क्यू डाला ऐसा करके थोड़ा थोड़ा हम क्या करते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं तो जैसे जैसे ये इस पर आता जाएगा यहाँ का चार्ज क्या होता चला जाएगा बेटा बढ़ते चला जाएगा पहले इस हॉलोस्फेयर पे कुछ भी चार्ज नहीं था अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और जब पूरा क्यू यहाँ से पूरा क्यू यहाँ पे आ जाएगा तो इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू हो जाएगा आ रही बात समझ में ठीक है तो बेटे जैसा मैंने बोला कि यहाँ का जो चार्ज है यहाँ का जो चार्ज है वो क्या हो रहा है जीरो से बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते फाइनली कितना हो जाएगा क्यों हो जाएगा ठीक है तो इस दौरान जो है इस बीच जो है जब इसका हम चार्जिंग कर रहे हैं जब इस पर चार्ज हम ला रहे हैं उस समय इस पर चार्ज क्या हो रहा है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है हो रहा है कि नहीं बेटा तो कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है लेट्स से कि किसी टाइम पर इस पर चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है ठीक है कितना है स्मॉल क्यू है तो बेटे ऑब्वियस बात है अगर इस पर कोई चार्ज होगा तो इस पर पोटेंशियल भी होगा तो अभी पोटेंशियल होगा कितना पोटेंशियल होगा इस पर नाइस के क्यू बाय आर इतना पोटेंशियल होगा और इतना पोटेंशियल होने के बाद और हम क्या कर रहे हैं इस डी क्यू को कंटिन्यूसली लाते जा रहे हैं है ना इस DQ को हम continuously लाते जा रहे हैं तो बेटे अभी के समय में इस DQ को इस पे डालने में क्या हमें कुछ डन की जरूरत पड़ेगी yes, obviously पड़ेगी ठीक है कितना पड़ेगा बेटा? कितना पड़ेगा? तो वी नो दैट और चार्ज कितना है DQ इतना work done लगता है है ना ये देखो Q into V तो V तो V हमारे पास है ही और चार्ज कितना ला रहे हैं हम DQ तो कितना हो गया V DQ अच्छा V देखो आपने कितना ले रखा है के क्यू बायर अभी के समय में यहाँ का पोटेंशियल है और आपने चार्ज कितना लाया DQ. तो इतना आपको वर्क डन करना पड़ा तो हर डी क्यू चार्ज को लाने में आपको इतना क्या होना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा लेकिन आपको लाना कितना है आपको फाइनली क्यू तक लाना है ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा पड़े इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ठीक है इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो बताओ ये हो जाएगा मुझे टोटल वर्क डन हाँ तो के बाय आर तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन किसका करोगे बेटा क्यू डी क्यू का करोगे कहां से कहां तक करोगे बताओ जीरो से कैपिटल क्यू तक सो व्हाट यू विल गेट के बाय आर इसका इंटीग्रेशन बता दो बेटे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू हो जाएगा कहां से कहां तक जीरो से क्यू सो हाउ मच यू आर गेटिंग के बाय आर क्यू स्क्वायर बाय टू क्लियर तो अगर के की वैल्यू रख दोगे बेटे क्यू स्क्का फोर पाए टू क्या हो जाएगा एट पा नॉट आर दिस मच वर्क डन यू हैव टू डू टू असेंबल दिस चार्ज ऑन दिस होलोस्फेयर ठीक है इस हॉलोस्फेयर पर क्यू चार्ज को असेंबल करने के लिए मुझे इतना वर्क डन करने की जरूरत पड़ रही है <coughs> <coughs> तो यहां जो हम मुझे डन करना पड़ रहा है ना वो किसी दूसरे के कारण नहीं करना पड़ रहा है इस खुद के है ना इस ये जो स्फेयर है उस पर जो खुद पे चार्ज है उसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है और उसी के कारण एनर्जी आ रही है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सेल्फ एनर्जी इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सेल्फ एनर्जी ठीक है तो नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग ठीक है सेल्फ एनर्जी तो सेल्फ एनर्जी क्या हो गया बेटा पी वर्क डन दी वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल ए चार्ज ऑन अ बॉडी ठीक है दी वर्क डन रिक्वायर्ड टू असेंबल अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी सेल्फ एनर्जी ओके एवरीबडी है इतना तो सिर्फ लिखना है सेल्फ एनर्जी का डेफिनेशन बस लिखना है आपको इतना लिखा आपने यस हाँ ओके सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं ठीक है अब आपको क्या लिखना है तो बेसिकली एक चीज आपको समझ में आए कि ये भी है क्या ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी ही है ठीक है चलो अब हम क्या करने वाले हैं सेल्फ एनर्जी निकालने वाले हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सेल ठीक है यूनिफॉर्मली चार्ज सेल का सेल्फ एनर्जी निकालने वाले हैं तो जैसा आपने देखा जैसा आपने देखा कि अगर ये सेल है जिसका रेडियस आर है जिस पर मुझे क्या करना है कैपिटल क्यू चार्ज लाना है ठीक है कैपिटल क्यू चार्ज लाना है तो क्या होगा और मान लें

टू ब्रिंक अ एलिमेंटल चार्ज डी क्यू वर्कडन ठीक है डीक्यू को लाने में वर्कडन कितना लगेगा डी डब्ल्यू कितना होगा बेटे वी इंटू डी क्यू वी कितना है आपके पास के क्यू बाई आर एंड डीक्यू दिस इज डी डब्ल्यू देर फॉर टोटल वर्कडन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी डब्ल्यू यानी क्या के क्यू बाय आर डी क्यू से कहां तक करोगे जीरो से कैपिटल क्यू तक ठीक है तो देयर फॉर वर्कडन जो आपका आ रहा है के क्यू के बाय आर कॉन्स्टेंट टर्म है और क्यू DQ रह जाएगा आपका सो so Q DQ को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से Q तक सो so K बाय आर और इसका क्या हो जाएगा बेटे क्यू स्क्वायर बाय टू लिमिट रखोगे जीरो से क्यू सो दिस विल बी के बाय आर क्यू स्क्वायर बाय टू के वैल्यू पुट करने के बाद इट विल बी एट नॉट आर सो दिस इज़ द वर्क डन और आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है तो पहले उसकी एनर्जी क्या थी जीरो अब मान लो उसकी एनर्जी क्या हो गई यू तो टोटल टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा यू सो दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ होलोस्फेयर बोल लो या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल बोल लो तो जब भी आपको बोलता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी यू विल से दिस वन हाँ, डन नोटेड, आगे बढ़ू से वन ओके

यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेर तो बेटे दिस टाइम अपने को क्या करना है एक सॉलिड स्फेयर तैयार करना है किसका चार्ज का ठीक है तो बेटे अपन क्या करेंगे मान लो यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू कहां पर इंफिनिटी पर वहां से इस चार्ज को इसके ऊपर असेंबल करना है इसके पूरे वॉल्यूम में ठीक है सॉलिड स्पेयर है सॉलिड स्फेर बनाना है ठीक तो इस तरीके से अपने को इसके ऊपर लाना पड़ेगा ठीक है ऐसा लाना पड़ेगा इसका रेडियस कितना है इसका रेडियस है समझो कैपिटल आर ओके तो स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग इस पर चार्ज क्या है कुछ भी नहीं है ये पूरा क्या है खाली है ठीक है इन द बिगिनिंग ये पूरा क्या है खाली है ठीक है अब मुझे थोड़ा थोड़ा करके इस पे चार्ज लाना है जब मैं पहले चार्ज लाऊंगा तो एक छोटा सा बनेगा, ठीक है? और चार्ज लाऊंगा तो वो स्पेयर थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और चार्ज लाऊंगा थोड़ी स्पेयर बड़ी हो जाएगी और ये फाइनली इतना बड़ा बन जाएगा ठीक है तो मान लो बेटे कि, कि किसी समय जो है है ना किसी समय हमारा जो हमने इस पर क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया है कितना चार्ज ट्रांसफर कर दिया है स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया है और वो इस वॉल्यूम में है कितना है इसका रेडियस स्मॉल आर ठीक है कितना है इसका रेडियस स्मॉल आर तो हमने अभी तक जो है क्यू चार्ज इस पर ट्रांसफर कर दिया है और उसके कारण कितना बड़ा स्पेयर बना है स्मॉल आर रेडियस का बना है तो आप बता दो बेटे की इस ये जो हमने लिया है ठीक है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इसके पास अभी पोटेंशियल कितना होगा तो वी नो दैट है ना सरफेस पर एक स्पेयर के कारण क्या पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर सो के क्यू बाय आर ठीक है अब चूंकि बेटे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज डेंसिटी होगा उसको क्या मान सकते हैं रो ठीक है तो बता दो बेटे इस पर ये वाला वाला जो जो पार्ट है ये वाला, उस पर चार्ज जो कि हमने Q माना है वो कितना हो जाएगा तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है रो इन टूम होता है तो रो और इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है बेटे फोर बाय थ्री पाए स्मॉल आर क्यूब दिस इज द वॉल्यूम ठीक है तो चार्ज जो इस पार्ट में इंक्लोज हो रहा है वो है रो इंटू फोर बाई थ्री पाए स्मॉल आर क्यूब वेरी नाइस अब हमें क्या करना है बेटा हम तो क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली यहां से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके यहां पे पहुंचा रहे हैं है ना तो हमने डी क्यू चार्ज और लाया तो वो डी क्यू चार्ज क्या करेगा बेटा इसको थोड़ा और बड़ा कर देगा है ना तो ये मेरा क्या हो गया थोड़ा सा बड़ा हो गया ठीक ये मेरा थोड़ा सा ऐसा बड़ा हो गया कितना बड़ा हो गया लेथ से कि डी आर कितना बड़ा हो गया लेथ से डी आर तो बेटे अभी जो एक्स्ट्रा डीक्यू चार्ज आया बताओ वो कितने वॉल्यूम में गया उसका डीवी बता सकते हो यानी हम ये एक एलिमेंट ले रहे हैं ना ऐसा एक सेल जो तैयार हुआ इसके बीच में ये वाला एलिमेंट है ठीक है जिसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर और थिकनेस कितनी है डी आर कौन बता सकता है किसकी वॉल्यूम क्या होगी तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट फटाक से बताओ कौन बता सकता है बहुत बार कट किए हम लोग ऐसा वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट नोबडी डी इक्वल्स टू हमच बोलिए बोलिए फोर r डी आर okay. है ना एरिया एरिया इंटू तो एरिया तो इतना हो गया वॉल्यूम फोर r डी आर ओके तो बेटे जो हमने चार्ज डी क्यू दिया था वो कितना होगा dq क्या होता है रो इंटू डी तो रो तो रो और dv हमारे पास कितना आया फोर पाए आर स्क्वायर डी आर दिस इज डी क्यू ठीक है दिस इज डी क्यू नाउ अब आपको पता है कि आपके पास यहां पर पोटेंशियल V था और आपने कितना चार्ज लेके आया dq. तो इस dq को लाने में आपको क्या करना पड़ा होगा वर्क डन करना पड़ा होगा कितना V इंटू क्यू और q कितना था dq. तो बेटे V आपके पास कितना है के क्यू बाय आर

एक सिंगल आर कट रहा है ठीक है तो क्या बच रहा है के इन टू रो टू टाइम्स है तो रो स्क्वायर हो गया एंड फोर पाई अच्छा के की वैल्यू रख सकते हैं हम है ना के की वैल्यू रख सकते हैं सॉरी ठीक है के की अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाए एपसेलेन नॉट तो एक फोर पाई तो कैंसिल हो जाएगा हमारा ये वाला फोर पाई ठीक अब क्या बचेगा बेटे रो इन टू रो क्या हो गया रो स्क्वायर हो गया एंड फोर पाए फोर पाए रो इंटू फोर पाए आर कितना हो गया बेटा रेस टू फोर हो गया ना आर रेस टू फोर डी आर और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट नोट

कैपिटल आर तक आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ठीक है यहां तक इंटीग्रेट करने के बाद ठीक है यहां तक इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास वकडन आएगा चलो तो आई नीड टू एम्प्टी सम स्पेस तो बेटे यहां तक आपने नोट किया क्या यस यस ओके सो नाउ वर्कडन विम इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज फोर पाए रो स्क्ल एन नॉट जीरो वेरिएबल टर्म है वो क्या है आर एस टू फोर सो फोर पाए रो स्क्वेर बायसेल एन नॉट विल कम आउट एंड इंटीग्रेट

नीचे वाला वाला जीरो है, वाला है, है? है? ऊपर कैपिटल आर इसको रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक ठीक so well, रो क्या चीज है डेंसिटी है? है चार्ज डेंसिटी है कौन सी वाली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आपको टोटल चार्ज इस पे कितना देना था कैपिटल क्यू और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है बेटी फोर बाय थ्री पाए कैपिटल आर क्यूब सो दिस मच इज द वैल्यू ऑफ रो कैन वी पुट दिस वैल्यू इन दिस रो ठीक है तो हम इस वैल्यू को यहां पर जब रखेंगे तो क्या आएगा कितना था अभी फोर पाई आर रेस टू फाइव अपॉन फाइव एपसेल नॉट ठीक दिस मच इज राइट नाउ जब मैं रो की वैल्यू रखूंगा तो क्या है देखो क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क् है ना फोर क्यूब का स्क्वायर और ये थ्री का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा nine. कुछ छूटा तो नहीं है यहां छूटा है ना बेटा ये थ्री हमसे छूटा है ये देखो है ना दिस थ्री दिस थ्री इज आल्सो डाउन साइड ना थ्री एफसेल एन नोट किसी ने बोला भी नहीं थ्री एफसेल एन नोट ठीक है तो यहां पर एक थ्री आएगा ठीक है तो दिस थ्री विल गेट कैंसिल विथ दिस नाइन कितना बच जाएगा थ्री बच जाएगा और आ, ठीक अब देखो क्या बच रहा है फोर पाए आर एस टू फाइव क्यू स्क्वेर इंटू थ्री अपॉन फाइव एफसेल नॉट इन टू सिक्सटीन पाई स्क्वेर आर एस टू सिक्स तो आर फाइव से ये वन बच जाएगा और फोर पाई से ये फोर पाई बच जाएगा तो हाउ मच इज अपसाइड साइड थ्री क्यू स्क्र एंड हाउ मच इज डाउन फाइव फोर्जा ट्वेंटी वर्क करते हो वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है सो हाउ मच दिस एनर्जी स्टोर्ड स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी पाए नॉट आर ठीक है तो राइट right नाउ इतना एनर्जी जो है आपके इस केस में स्टोर हो रहा है ठीक है तो ये क्या हो गया बेटा सेल्फ एनर्जी हो गया सॉलिड स्पेयर के, के केस में सॉलिड स्फेयर के केस में सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ थ्री क्यू सो फॉर फॉर हॉलो है एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर लेट्स से मैं कहता हूं कि uh, एक होलोस्फेयर है लिसन केयरफुली एक हॉलोस्फेयर है जिसका रेडियस आर वन है और इस पर चार्ज हमने क्यू दिया है अब इसको हम क्या कर रहे हैं एक्सपांड कर रहे हैं ठीक है एक्सपांड और एक्सपांड करके हमने इसकी रेडियस को आर टू कर दिया ऐसा करने में कितना डन लगेगा हाउ मच डन इज नीडेड बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स चलिए क्वेश्चन समझ में आए क्या अंडरस्टूड द क्वेश्चन सो सी वॉट वी कैन डू देखो तो आपके पास जो पहला सिचुएशन था दिस वॉज द इनिशियल सिचुएशन है ना इस सिचुएशन में आपके पास कितनी एनर्जी थी ये कौन सा है बेटा होलो है कि सॉलिड है हॉलो है हॉलो के लिए क्या है आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला दिस मच ठीक है तो क्या हो जाएगा बेटा चार्ज कितना था क्यू तो क्यू स्क्वा एट पाए नॉट और रेडियस अभी कितना है आर वन ठीक है बात समझ में? तो यहां पर आपके पास इतनी एनर्जी है बट जब आप इसको एक्सपांड कर दोगे तो एक्सपांड करने से क्या चार्ज बदलेगा नहीं चार्ज तो अब भी उतना ही है क्या बदला आर बदला तो अब एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगा हाउ मच इज एनर्जी तो क्यू स्क्तर अभी भी वो हॉलो ही है तो क्यू स्क्ट पाए सॉरी एट पाएल एन नॉट हाउ मच आर टू हो जाएगा दिस इज फाइनल एनर्जी

कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है इलेक्ट्रिकल फोर्स ही तो कंजर्वेटिव है ठीक है तो ये जो डेल्यू आया है अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वर्क एक्सटर्नल निकालना होता तो सीधा ये इक्वल टू वर्क डन हो जाता लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण बोला है तो दिस वी हैव टू पुट ठीक है तो डेल यू विच इज क्यू बाय एट पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर विल बी इक्वल टू

चलिए इसको इधर शिफ्ट करने के बाद वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सल नॉट है ना वन बाय आर वन इस साइड आ जाएगा और वन बाय आर टू उस साइड चला जाएगा दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स क्लियर अब आपने दो तरह की चीजें देखी पोटेंशियल एनर्जी के लिए है ना एक तो अभी आपने सेल्फ एनर्जी देखा सेल्फ एनर्जी है ना और इसके अलावा आपने जो पहले देखा था जिसका फॉर्मूला जैसे इस तरीके का था एक चार्ज है q1 एक चार्ज है q2 इसके बीच की डिस्टेंस है r तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता था बेटा k q1 q2 अपॉन R ठीक है इस तरीके की चीजें होती थी तो इसमें और इसमें क्या अंतर है बेटा अंतर है ये क्या था खुद के कारण वन होता था और यहाँ पर क्या हो रहा है दो चार्जेज के बीच में है ठीक है तो इसको ये दो चार्जेज यहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी तो मतलब सेल्फ एनर्जी एक अलग चीज है और इंटरेक्शन एनर्जी अलग चीज है सेल्फ क्या होता है खुद में होता है और इंटरेक्शन क्या होता है दो बॉडी या दो पार्टिकल या दो चार्ज पार्टिकल के बीच होता है तो सेल्फ एनर्जी आप समझ चुके और इंटरेक्शन एनर्जी वही है जो आपने पहले पढ़ा था के क्यू वन क्यू टू बाई आर ठीक है तो अगर हमने सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी को एक साथ पढ़ने की कोशिश की ठीक है तो कैसे समझेंगे तो गिव द हेडिंग सेल्फ एनर्जी सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू बॉडी ठीक है दो बॉडी का सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी देखना है तो मान लो बेटे कि एक जो है ना हमने सॉलिड स्फेयर ले लिया एक हमने सॉलिड स्फेयर ले लिया चार्ज ले लिया क्यू वन और रेडियस ले लिया आर वन ठीक और दूसरा जो है हमने होलोस्फेयर ले लिया ओके okay? और रेडियस ले लिया आर टू इस पर जो है चार्ज हमने मान लो नेगेटिव डाल दी और बोला अमाउंट कितना है क्यू टू और इसके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है लेट्स से स्मॉल आर अब इस सिस्टम का अगर टोटल एनर्जी निकालने बोला जाए क्या करोगे तो आपको पता है बेटा इसके पास क्या होगा सेल्फ एनर्जी इसके पास क्या होगा सेल्फ एनर्जी और एक होगा दोनों के बीच के इंटरेक्शन एनर्जी तो सेल्फ एनर्जी इसके पास ये कौन सा है बेटा सॉलिड है सॉलिड के लिए स्था क्या फॉर्मूला था सॉलिड के लिए फॉर्मूला था थ्री क्यू स्क् थ्री क्यूर स्क्वायर अपन ट्वेंटी पाई नॉट इसका आर क्या है आर वन है इसका क्या हो जाएगा बेटा के क्यू स्क्वायर सॉरी के नहीं क्यू टू अपॉन एट एन का स्क्वायर हाँ, uh, ना क्यू टू का माइनस होगा माइनस वाई माइनस प्लस ही होगा ना बेटा माइनस क्यू टू है माइनस क्यू टू का स्क्वायर करोगे तो भी तो प्लस ही रहेगा ना हाँ, हाँ. ठीक है हाँ. ये भी क्या होगा प्लस ही होगा सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ठीक है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो ठीक अब क्या करना है बेटा अब इनके बीच का इंटरेक्शन एनर्जी तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या है के Q1, Q2, तो के क्या हो गया बेटा वन बाय फोर पाई एप सेलेन नॉट और Q1 वन क्यू टू क्या है माइनस Q2 है ठीक है तो ये माइनस हो जाएगा है ना सो देयर फॉर टोटल एनर्जी जो हो रहा है वो हो रहा है थ्री क्यू वन स्क्वायर बाय ट्वेंटी पाए नॉट आर वन प्लस क्यू टू का स्क्वायर अपॉन एट पाए माइनस क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर अच्छा यहां पर ये कितना होगा बेटा एनर्जी वेल अंडरस्टूड नाउ वी कैन सॉल्व वन मोर एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर है हाँ, अगेन हमने क्या किया एक हॉलो स्फेयर लिया जिसका रेडियस आर वन है और चार्ज इस पर लेट से क्यू डाला है ओके okay. और इसमें चेंज क्या है यहां पर हमने एक और चार्ज डाल दिया है q0 नॉट इसके सेंटर पर क्या बोला मैंने एक हॉलो स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है q और उसके सेंटर पर एक चार्ज है q0 नॉट और इसका रेडियस क्या है R1 अगेन हम इसको क्या कर रहे हैं एक्सपांड कर रहे हैं एक्सपांड करके एक्सपांड करके हम इसको आर टू रेडियस का बना दे रहे हैं रेडियस का ठीक है तो हमें क्या निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसा करने में इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा कितना डन होगा वो चीज हमें पता करनी है ठीक है चलिए फटाफट पता करिए भाई देखते किसका आता है पहले